अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आपके पास रूट्स गिवन हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसमें से आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फाइंड करनी है। ठीक है, वैसे तो ये होता है ना कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी और हम उसको सॉल्व करके उसके दो रूट्स निकालते थे। अब इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। अब हमारे पास रूट्स गिवन होंगे और हमने क्या फाइंड करना होगा कि ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। सही हो गया। सो जब आपके पास रूट्स गिवन हो और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला यूज करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू जीरो। ये यहाँ पर आपको नजर आ रही है, एट नहीं है, ठीक है, ये एस है। सो एस एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ एस का मतलब होगा सम ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, एंड पी का मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा हो गया। सही है। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल लेट से हमारे पास क्या है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। अल्फा बीटा रूट्स हैं किसके, लेट से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये अल्फा और बीटा, ये दोनों इसके रूट्स आ गए। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर द डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं कि फॉर्म एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपने, लेट से हमने कहा था यहां पे कि अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं। अच्छा, अब आपने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा के डबल हो। ठीक है, आपने ऐसे रूट्स फाइंड करने हैं, आपने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा का डबल हो। ठीक हो गया। सो इसको हम लेके चल लेंगे। अच्छा, अब यहां से सोल्यूशन में आपने क्या करना है कि सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, आपको पता है सिंस अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं, आर सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ किसके रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट्स हैं। सो आपको पता है देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा बाय सी बाय ए। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और उसके कोफिशिएंट का जो रिलेशन होता है वो इस चीज के इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो हमने रूट्स फाइंड करने हैं, द न्यू रूट्स, मतलब जो इक्वेशन फाइंड करने उसके रूट्स क्या थे, आप लिखोगे द न्यू रूट्स आर टू अल्फा एंड टू बीटा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा का डबल हो, तो वो क्या बनेंगे, टू अल्फा एंड टू बीटा बनेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, सो अब हम क्या करेंगे, इन रूट्स का भी, जो दो नए रूट्स आए हैं टू अल्फा एंड टू बीटा, इसका भी आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो क्या आ जाएगा कि जो सम होगा, सम ऑफ न्यू रूट्स जिसकी इक्वेशन आपने बनानी है, सम ऑफ न्यू रूट्स विल बी इक्वल्स टू किसकी इक्वल आएगा, टू अल्फा प्लस टू बीटा। यहां से आपने टू कॉमन लेना है, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा
टू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाय ए। सो यहां पर आपने माइनस बी बाय ए की वैल्यू पुट कर देनी है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ न्यू रूट्स क्या किसकी इक्वल आएगा, सम ऑफ न्यू रूट्स स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा माइनस टू बी डिवाइडेड बाय ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो न्यू रूट्स थे उनका सम आ गया। अच्छा, अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स क्या है, टू अल्फा और टू बीटा, टू टू जार फोर इंटू अल्फा बीटा, ठीक है, और फोर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट क्या थी, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, सी बाय ए। सो आप लिखोगे सी बाय ए, सी बाय ए। सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 4c डिवाइडेड बाय a, और ये क्या था, ये प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। ठीक है, कि जो जो न्यू रूट्स आए थे मतलब 2 अल्फा एंड 2 बीटा वो क्या थी, वो 4c डिवाइडेड बाय 4a आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा थे। क्लियर हो गया। सो हम यहां लिखेंगे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय। ठीक हो गया। अच्छा, हम डिस्कस कर चुके हैं अगर आपके पास रूट्स गिवन हो तो आप उसमें से इक्वेशन बना सकते हैं, और इक्वेशन किस फॉर्म में थी वो हमारे पास आ रही थी कि उसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हमने यहाँ वेरिएबल वाई चूज कर लिया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो इक्वेशन चल रही थी वो वेरिएबल एक्स में थी शुरू में, अगर आप देखें सही है तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट देखें, ये आपके पास वेरिएबल एक्स में आ रही थी तो थोड़ा सा चेंज लाने के लिए हमने इसमें वेरिएबल नया इंट्रोड्यूस कराया जो कि वाई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करेंगे, वाई स्केयर माइनस सम ऑफ द रूट्स आपने निकाला था, सम ऑफ द रूट स्टूडेंट आपके पास किसकी इक्वल आया था, सम ऑफ द रूट जब आपने फाइंड किया था तो वो इक्वल आया था माइनस टू बी बाई ए वाई प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपने अभी फाइंड किया था वो किसकी इक्वल आया था, फोर सी डिवाइडेड बाई ए। इसको सिंप्लीफाई करें तो वाई स्केयर प्लस टू बी ए वाई प्लस फोर सी ए, सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा ए वाई स्केयर प्लस टू बी वाई प्लस फोर सी। सो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे, टू ए टू बी, टू अल्फा टू बीटा होंगे, और इसके रूट जो थे वो डबल होंगे अल्फा बीटा के। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।